लक्ष्मी के आने वाले एपिसोड में जहां चलेगी एक बार फिर से मलिश का बहुत बड़ी साजिश, जो कि नीलम को कहीं ना कहीं मारने की साजिश चलती है। लेकिन दोस्तों उस साजिश से कोई और नहीं बल्कि ऋषि और लक्ष्मी की बेटी पारो को बहुत तगड़ा झटका लगता है, क्योंकि पारो के ऊपर फाइनली वो डोर आकर गिरती है। क्योंकि यहाँ पर जिस तरीका से मलिश्का और मलिश्का की मॉम किरण यहाँ पर प्लानिंग कर रही थी, हालांकि दोस्तों मलिश्का की मॉम किरण ने बोला था कि ये डेंजरस भी हो सकता है और इससे किसी को भी आहत पहुंच सकती है। आप लोगों को बता देना चाहता हूं दोस्तों कि इस समय लक्ष्मी के खिलाफ जो साजिश रची जा रही थी वो साजिश बेहद ही ज्यादा खतरनाक तरीका से हो रही थी, क्योंकि लक्ष्मी और ऋषि को अलग करने के लिए मलिश्का इस तरीका से और चाल चलेगी, ये किसी ने वास्तविक दोस्तों सोचा भी नहीं होगा। आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जल्दी ही आप लोगों के लिए देखने को मिलेगा कि किस तरीका से ऋषि को पता लगता है कि ये सब कुछ मलिश्का ने किया है, क्योंकि मलिश्का लगातार अलग अलग तरीका से फैमिली वालों को चोट पहुंचाने की हर एक कोशिश कर रही थी। और इस समय जो उसने कोशिश की है वो वाकई में दोस्तों बर्दाश्त से भी बाहर हो चुकी है, जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि यहां पर मलिश्का बोलती हुई नजर आ रही है कि जो मैं करती हूं मैं सोच समझ कर करती हूं, और इस बार तो मैं ऐसा करूंगी कि लक्ष्मी और यहाँ पर ऋषि का हमेशा हमेशा के लिए गठबंधन टूट जाएगा, क्योंकि जो गठबंधन इतने सालों से चला आ रहा है वो अब ज्यादा समय तक नहीं चलने दूंगी। इस तरीका से मलिश्का लगातार प्रयास करती हुई नजर आ रही है। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि मलिश्का इस समय बोलती हुई ये भी नजर आ रही है कि पारो भी आखिर कब तक बचेगी मेरे प्रहार से, क्योंकि दोस्तों लक्ष्मी की बेटी पर लगातार इस तरीका से प्रहार करती हुई जो नजर आई है, और साथ के साथ ही दोस्तों लगातार यहां पर नीलम को भी टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि नीलम को टारगेट करने का एक भी मौका छोड़ नहीं रही है इस समय मलिश्का। मलिश्का ने तो पहले ही बोल दिया था कि जो मैं करती हूँ वो मैं सोच समझ कर करती हूँ। साथ ही दोस्तों आप लोगों के बीच में मैं हूँ रोहित नागर, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कॉमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू सो मच सपोर्ट करने के लिए, धन्यवाद।